हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुल्टिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर केवल वादे पर वादे करती दिखाई दे रही है बीजेपी, जबकि धरातल पर कोई विकास नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम बीजेपी को आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धरातल पर कितना विकास हुआ है ये तो जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है। ठीक, चुनाव से पहले सामने बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करने की बात कही जा रही है, जबकि जवाहर ज्योति दमवाडूंगा 2016 में राजस्व ग्राम घोषित हो गया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार में 20 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी करके मालिकाना हक देने की बात कही गई, सर्वेक्षण क्रियाओं को संपादित करने की बात की। लेकिन भाजपा सरकार ने 13 मई 2020 में उस पर रोक लगाकर जवाहर ज्योति दमवाडूंगा के मालिकाना हक को रोकने का काम किया, उनके जो मालिकाना हक मिलना था उसको रोकने का काम किया। यहाँ तो धरातल पे तो ये चल रहा है।